नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने बीते दिनों रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर बयान दिया था और ये विवादित बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो नेता हैं उन्हें पसंद नहीं आया, जिसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज कराने की भी बात कही गई थी। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल से जब ये पूछा गया कि आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि सीधा सीधा उन्होंने किनारा कर लिया था। अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ताजा तरीन विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर लोग मेरी बात को सीरियसली लेंगे, यानी कि जो उन्होंने रामचरितमानस का की बात कही थी, और उसके बाद अगर लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे तो इससे ब्राह्मण समाज को जो है वो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर पंडितों की बात करी जाए तो वो इसी दान दक्षिणा के चलते जो है वो कमाते हैं और उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था वर्ड टू वर्ड वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं पंडित पुजारी लोग हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मंदिरों में पूजा नहीं होगी तो उनका धंधा खत्म हो जाएगा। मेरे इस बयान के बाद सभी पिछड़े वर्ग महिलाएं जो हैं वो मंदिर में आना बंद कर देंगी, तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, इसलिए वो पागलों की तरह बात कर रहे हैं। इस तरीके की जो बातें हैं वो करते हुए नजर आए थे। और इससे पहले उन्होंने लखनऊ के लेटे हुए हनुमान मंदिर में लगे पोस्टर पर सपा नेता ने कहा था कि लखनऊ पकापुल के पास लेटे हुए हनुमान मंदिर में पुजारियों द्वारा प्रतिबंध हास्यपद है। अपने पूरे जीवन में इस मंदिर में मैं ना कभी गया और ना कभी जाऊंगा, जहां भेदभाव हो वहां जाने की क्या जरूरत है। इस तरीके की बात जो है वो देखी गई थी। आपको बता दें कि लेटे हुए मंदिर जो हनुमान मंदिर है उसके बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगी थी, उस पर लाल रंग से क्रॉस का निशान भी लगाया हुआ था और उस पर लिखा था कि अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मंदिर में आना वर्जित है। तो इस तरीके की लगातार जो है वो बातें सामने आ रही हैं। अब क्या कहीं ना कहीं ये सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं? और अगर कार्रवाई करते हैं तो क्या फिर एक बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा? और इन्हीं चुनाव में नुकसान से बचने के लिए क्या वो फिलहाल इस तरीके से शांत नजर आ रहे हैं? जो कि अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो उनका ऐसा व्यक्तित्व है वो नहीं है। तो फिलहाल आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से निकाले जाएंगे, और निकाले जाएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती हुई नजर आएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।